सरकार की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब तो आलम यह है कि गुस्साए छात्र जगह जगह पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ इस मामले में विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार का विरोध कर रहा है। कानपुर में भी युवा कांग्रेस के बैनर तले सरकार की इस योजना का विरोध करते हुए प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे ने कहा कि 4 साल नौकरी करने के बाद आखिरकार युवा क्या करेगा, जबकि भाजपा सरकार अपने 8 साल के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देने की बात कह रही है, लेकिन यह 4 साल की नौकरी देकर युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोगों ने जैसा कि अभी देखा कि सरकार ने आनन फानन में एक नई स्कीम लागू करी जिसका नाम उन्होंने अग्निपथ रखा। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अगर सरकार को ये ना लगा होता कि उसने एक गलत स्कीम लागू करी तो 2 ही दिन के अंदर उसने उसकी आयु सीमा ना बढ़ाई होती 1 वर्ष की। जो इस देश का युवा है वो ये सवाल कर रहा है, वो ये पूछ रहा है कि जो स्कीम उनके भविष्य के लिए, जो स्कीम उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई रखी गई, उसमें उनसे क्यों नहीं राय ली गई, क्यों एक ऐसी स्कीम सरकार ने बनाई जिससे देश का युवा ये सवाल कर रहा है कि आने वाले 4 साल के बाद उसके भविष्य का क्या होगा। ये सब एक बड़े ज्वलनशील मुद्दे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस ये सवाल करती है केंद्र की सरकार से कि पिछले 8 वर्षों से लगातार आप युवाओं के लिए योजनाओं के नाम पे यहाँ पे आए हैं, 8 वर्ष बाद आज उत्तर प्रदेश के हर जिले का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से किसान मजबूर था, जिस प्रकार से व्यापारी मजबूर था, आज उसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का युवा और देश का युवा आके खड़ा हुआ। जिस तरीके से युवा विरोध कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, ये तरीका सही है? देखिए, विरोध में हमेशा कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण विरोध को हम लोग मानते आए हैं। हम लोग गांधीवादी पार्टी हैं, हम लोग हमेशा गांधी जी के उसूलों को लेकर चले हैं, और हम लोग युवाओं से भी अपील करेंगे कि अपने जो विरोध के माध्यम है उसको शांतिपूर्ण तरीके से आगे लेकर चलें।